हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। आज की हमारी क्लास है क्लास 14, जिसमें हम करेंगे बॉडी पॉलिशिंग के बारे में। बॉडी पॉलिशिंग होती क्या है? देखिए, बॉडी पॉलिशिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम फुल बॉडी की मसाज करते हैं एक पर्टिकुलर मैनर में। तो जिस तरह हमारे फेस की मसाज होती है, ऐसे ही हमारी बॉडी की भी मसाज होती है। तो बॉडी पॉलिशिंग के बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं, और उसमें से मैं आज आपके लिए ये लेके आई हूँ, जिसमें जैसे कि हमारे कुछ बॉडी पॉलिशिंग ऐसी होती हैं जिसमें हमारा पहला जो प्रोडक्ट होता है वो होता है पॉलिश। ये स्टेप फर्स्ट होता है। पॉलिश पे क्या होता है? पॉलिश पे हम करते हैं ऑयल, एक ऑयल होता है पॉलिशिंग ऑयल, उसे अप्लाई किया जाता है बॉडी पे। सेकेंड पे आता है हमारे पास एक्सफोलिएट। एक्सफोलिएट का मतलब होता है स्क्रब। जैसे हम अपने फेस पे स्क्रब करते हैं, ऐसे बॉडी पॉलिशिंग की भी स्क्रब होती है, तो ऐसे ही की जाती है इसमें स्क्रब। और थर्ड पे आता है हमारा मॉइस्चराइज। तो इसमें क्या होता है कि मॉइस्चराइजर अप्लाई किया जाता है पूरी बॉडी पे। तो आप कहोगे कि बॉडी पॉलिशिंग में तीन ही स्टेप होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको मार्केट में अलग अलग स्टेप्स में अलग अलग किट्स जो हैं अलग अलग प्राइस में अवेलेबल होती हैं, और आपको उसी के फॉर्म में वो आपको दिया होता है कि आपको किस तरह से करनी है, उसी के फॉर्म में उस स्टेप्स को फॉलो करके बॉडी पॉलिशिंग करनी पड़ती है। जैसे कि इसके अलावा बहुत सारे जो स्टेप्स होते हैं, मैं एक और बॉडी पॉलिशिंग जो फॉर्म है आपको बता रही हूँ। जैसे कि हम फेशियल में क्लींजर करते हैं ना, क्लींजर, इस तरह ही बॉडी पॉलिशिंग में भी क्लींजर होता है। जैसे हम फेस पे, जैसे पूरे फेस की मसाज होती है, ऐसे ही बॉडी पॉलिशिंग भी की जाती है सेम स्टेप्स को फॉलो करके। तो क्लींजर में क्या होता है, क्लींजिंग की जाती है फुल बॉडी की। एक जैसे कि फुल बॉडी में एक थोड़ा सा प्रोडक्ट लेके सर्कुलर फॉर्म में पूरी बॉडी की क्लींजिंग की जाती है। सर्कुलर फॉर्म में अप टू डाउन पूरी बॉडी की क्लींजिंग की जाती है, एक्सेस प्रोडक्ट को रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप में आता है, सेकंड स्टेप में हमारे पास स्क्रब। क्लींजिंग करने के बाद हमें स्क्रब करनी पड़ती है। स्क्रब भी छोटे छोटे से, इसमें बॉडी पॉलिशिंग के लिए प्रोडक्ट अलग से आते हैं, ये उनमें छोटे छोटे दाने होते हैं। उस स्क्रब को लेके आपको पूरी बॉडी पे उस पर स्क्रब की करनी पड़ती है, पूरी बॉडी पे स्क्रब की जाती है। और स्क्रब करने के बाद ये इस प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगता है, यानी कि एक बॉडी के पार्ट को आपने पूरी स्क्रब करने के कम से कम 10 to 15 minutes देने होते हैं। एक पार्ट मीन्स जैसे कि आप बैक को कर रहे हैं, तो बैक को आप 10 to 15 minutes दोगे तो स्क्रब की जाती है। स्क्रब के अलावा आपके पास सेकंड थर्ड स्टेप आता है। स्क्रब के बाद जब स्क्रब कंप्लीट हो जाती है तो आप स्टीम दे सकते हैं। तो आता है हमारे पास स्टीम। आपने क्या देनी होती है, फुल बॉडी पे स्टीम देनी होती है। स्टीम क्या करती है, जो भी एक्स्ट्रा टैन या डस्ट या कुछ भी ऐसे पार्टिकल्स होते हैं उन्हें भी रिमूव कर देती है। उन्हें क्या कर देती है, जो स्ट्रॉन्ग पोर्स में फंसे हुए होते हैं उन्हें निकाल देती है। तो पूरी बॉडी पे, अब कहोगे पूरी बॉडी पे स्टीम कैसे दी जाए, तो उसके लिए भी स्टीमर अलग से आते हैं। फुल बॉडी को स्टीम देने के लिए स्टीमर अलग से आते हैं, उन स्टीमर से फुल बॉडी को स्टीम दी जाती है। होते वो छोटे ही हैं, उनको मूव करके स्टीम दी जाती है। फोर्थ पे आती है हमारी क्रीम। क्रीम की फुल बॉडी पे फिर मसाज की जाती है। क्रीम की मसाज प्रॉपरली उनको तब तक की जाती है जब तक कि वो क्रीम उस पार्ट में मर्ज ना हो जाए। जब क्रीम की मसाज, क्रीम को हमने रिमूव नहीं करना होता। क्रीम का प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट होता है, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है जिसको हमें रिमूव नहीं करना होता। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को हमें पूरी बॉडी में उसे मर्ज कर देना होता है। तो पूरी बॉडी में फिर उसकी मसाज दी जाती है। ये जो मसाज है अपने फिंगर्स के हाथ से सर्कुलर फॉर्म में दी जाती है, या अप डाउन टू अपवर डायरेक्शन में, यानी अप टू डाउन नहीं आना होता बॉडी में, डाउन टू अप जाना होता है। तो इस फॉर्म में मसाज दी जाती है और सर्कुलर फॉर्म में मसाज दी जाती है। और क्रीम के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है हमारा पैक का। फिर अप्लाई किया जाता है हमारा पैक, और पैक अप्लाई करने के बाद जो पैक सूख जाता है फिर उसे रिमूव किया जाता है। और पैक के बाद लास्ट स्टेप आता है हमारे पास ऑयल या मॉइस्चराइजर का। मॉइस्चराइज
फिर पूरी बॉडी को मॉइस्चराइज किया जाता है। तो ये स्टेप जो है बॉडी पॉलिशिंग पे हम यूज़ करते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि यही स्टेप्स यूज़ करते हैं, अलग अलग फॉर्म में अलग अलग स्टेप्स होते हैं, यानी अलग अलग किट में आपको अलग अलग स्टेप्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं, वो किट पे गिवन होता है। जैसे जैसे कि आपकी फेशियल किट्स होती है ना, फेशियल किट में आपके अलग अलग स्टेप्स होते हैं, ऐसे ही बॉडी पॉलिशिंग की भी बहुत सारी किट्स आती हैं और उनके अलग अलग स्टेप्स होते हैं और आपको उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना होता है। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने कहा है कि इस तरह से फॉलो करना है तो ऐसे ही फॉलो करना है, या इस तरह से कहा है करने के लिए तो ऐसे ही फॉलो करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह से हमारे फेशियल के अलग अलग स्टेप्स होते हैं, ऐसे ही हमारे बॉडी पॉलिशिंग के भी अलग अलग स्टेप्स होते हैं। जो किट होती है उस किट में आपको दिया होता है कि कौन सा स्टेप किस तरह से कब करना है। तो ये जो है, ये जो मेन पॉइंट्स हैं जो करने हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा कुछ बॉडी पॉलिशिंग ऐसे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें इससे भी ज़्यादा स्टेप्स होते हैं, ये इससे कम भी होते हैं, कुछ में 4 स्टेप्स होते हैं, जैसे कि 3 स्टेप वाली है, इसमें क्या है, इसमें 6 स्टेप्स हैं। ऐसे ही आपको कम या ज़्यादा स्टेप्स वाली किट जो है वो मार्केट में अवेलेबल होती हैं और आपको वो लेनी, आपको उसी अकॉर्डिंग देना है कि आपको कौन सी लेनी है। तो ये नहीं है कि मैंने ये कहा है कि ये होगी तो यही होगी, या ये कहा है तो यही होगी, ऐसा कुछ नहीं है। अलग अलग स्टेप्स को मार्केट के अकॉर्डिंग हमें फॉलो करना होता है। जब भी बॉडी पॉलिशिंग से क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी क्लीन होती है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन होता है जिससे हमारी बॉडी में एक एक्टिवनेस आती है। और ये जो पूरी बॉडी पॉलिशिंग है अपने फिंगर की हेल्प से राउंड मूवमेंट में करनी होती है, और राउंड मूवमेंट में करते हुए, और अगर आपने हैंड के साथ करनी है तो डाउन टू अप जाना, अप टू डाउन नहीं जाना होता। जब भी हम बॉडी पर मालिश या पॉलिश करते हैं तो डाउन टू अपवर्ड डायरेक्शन में अपने हैंड्स को मूव करते हैं, नॉट अप टू डाउन। और नेक्स्ट, होम मेड बॉडी पॉलिशिंग भी की जाती है। अब आपको कि होम मेड बॉडी पॉलिशिंग कैसे की जाती है, क्या वो इफेक्टिव होती है, तो डेफिनेटली वो इफेक्टिव होती है। और उसे करना कैसे है, आप थोड़ा सा बेसन लेंगे, बेसन में थोड़ी हल्दी डालेंगे। बेसन और हल्दी का बेनिफिट जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। हल्दी तो बहुत ज़्यादा जो रंग को निखारने का काम करती है, बहुत ही एंटीबायोटिक होती है और बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और इसमें बेसन में हल्दी डाल के उसमें आप थोड़ा नींबू का रस डालिए, नींबू का रस नहीं तो दही, दही या लस्सी कुछ भी डाल के आप उसे मिक्स करें। मिक्स करके अपने फुल बॉडी पे उसे अप्लाई करना है, ऐसे भी आप बॉडी पॉलिशिंग कर सकते हो। साथ ही साथ दूसरा मेथड ये है कि कॉफ़ी पाउडर लीजिए, कॉफ़ी पाउडर में आप थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालें या कोकोनट का ऑयल डालें और उससे मसाज करें, उससे भी बहुत अच्छी बॉडी पॉलिशिंग होती है और बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। तो ये हमारी बॉडी पॉलिशिंग की क्लास 14 जिसमें हमने बॉडी पॉलिशिंग के बारे में सीखा है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।